हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार लाइट एंड गियर। वी हैव द ऑल न्यू 2024 टाटा सफारी, एकदम टॉप मॉडल आपके सामने खड़ी है, मतलब लाइन की एकदम टॉप अप, जो कि भाई अपनी सफारी एकॉम्प्लीस प्लस वेरिएंट है, डार्क एडिशन, ऑटोमेटिक है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, प्राइसिंग क्या आ जाती है, इंजन में पावर एंड टॉर्क क्या है, कलर ऑप्शन क्या मिलता है, एंड 7 सीटर प्रोडक्ट है, तो नॉर्मल सी बात है आप ये जानना चाहेंगे कि इसके थर्ड रो में क्या स्पेस मिलता है, कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, इंजन में पावर एंड टॉर्क बहुत भर भर के फीचर्स मिले हैं। तो हर एक चीज़ डिटेल में फीचर्स के बारे में बात करेंगे, चाहे बाहर की बात हो चाहे अंदर की बात हो, हर एक चीज़। एंड चैनल पे नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए भाई बिल्कुल आप पुनीत मोटर्स आजमगढ़ पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं गाइस। की से तो कुछ ऐसी की ऑफर होती है आपको सफारी में, काफ़ी बढ़िया 4 बटन्स मिल जा रहे हैं अपने को, लॉक अनलॉक ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है, एंड गाइस उसके बाद रियर में अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग। एंड गाइस अगर प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की बात करते हैं तो सफारी ऑफर होती है भाई अपने को टोटल 29 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन में, पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल होती है। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो स्टार्ट होती है भाई 15.5 लाख रुपीज़ एक्सोरूम, टॉप मॉडल तक जाती है 26.9 लाख रुपीज़ एक्सोरूम। आपके सामने इसकी एकॉम्प्लीस प्लस डीजल वेरिएंट खड़ी हुई है जो कि ऑटोमेटिक है, जिसकी प्राइस गाइस आपको पड़ जाएगी 26.7 लाख रुपीज़, एंड ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगी 31.5 लाख रुपीज़। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस वेरी कर सकता है। एंड गाइस ये था इसका ओवरऑल प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट। एंड अब फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको क्या फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, क्या फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले गाइस अगर आप देखें तो कुछ ऐसी काफ़ी बढ़िया सी इसकी लुक मिलती है, एंड एक बार मैं इसके लाइट को आपको जला के दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया गाइस यहाँ पर आपको कनेक्टेड DRLs देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर सेटअप में यहाँ पर आपको हेडलाइट मिलती है, थ्रू वगैरह इसका काफ़ी जबरदस्त है भाई। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको टाटा की प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छा डील चाहिए, तो बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देख रहे हैं सबसे पहले तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इसी में गाइज अगर आप बोलेंगे तो आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल अपने DRL में, वो बढ़िया लगता है भाई ये देखिए, और यहाँ पे पूरी आपको मिल जा रही है कनेक्टेड अपनी DRL। उसी के बाद सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर अपने को रूफ रेल मिलेगी, ADAS लेवल 2 आता है, तो यहाँ पे आपको उसका कैमरा मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई वाइपर्स, एंड काफ़ी कमांडिंग सा पूरा लुक आता है। इसको ऑफ कर देते हैं भाई, एंड पूरा फ्लैट हुड है, साइड बाई साइड कुछ कट्स मिल जाते हैं जो कि व्हीकल के लुक को भी इनहेंस कर देते हैं, एज वेल एज व्हीकल के एरोडायनेमिक सेप भी प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पे आपको पूरी LED DRLs मिलेगी, इसी में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिल जाती है। और गाइस ये इसका ग्रिल है ना, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, मतलब पूरा पियानो ब्लैक में आता है, टाटा की ब्रांडिंग, 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको उसी का एक पार्ट मिलेगा, कैमरा, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, ADAS लेवल 2 है, तो वहीं का रडार मिल जाता है, लोअर ग्रिल आपको कुछ ऐसा मिलता है। फ्रंट में गाइस अगर आप देख रहे हैं तो 2 पार्किंग सेंसर तो फ्रंट में आपको मिल रहे हैं। एंड उसी के बाद यहाँ पे हेडलाइट की बात करेंगे तो सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाता है, हेडलाइट सेटअप आप बोलेंगे, जो कि भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, बाकी फॉग लैंप भी आपको क्यूबिक में मिल रहे हैं, LED है, एंड फंक्शनल यहाँ पर आपको वेंट्स मिल जा रहे हैं, बढ़िया बात है। ये थी भाई इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल अपनी सफारी की। गाड़ी में अगर देखते तो भाई स्पेस तगड़ा है, गाड़ी सेफ्टी में भी कहीं पीछे नहीं हटती है, प्रीमियम भी आ जाता है, फीचर्स भी एकदम बढ़िया मिलते हैं, बढ़िया बात है। अच्छा पैकेज एक टाटा निकाल के दे रही है 7 सीटर की अगर बात कर लेते हैं तो, ये है भाई इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल थी, एंड ये साइड प्रोफाइल है। गाइज इस प्रोडक्ट की सबसे बढ़िया मुझे चीज़ लगती है इसका व्हील, डार्क एडिशन है, उसी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर आपको पूरा मशीन कट में अलॉय व्हील मिल जाता है। एंड टायर प्रोफाइल की बात करेंगे 245/55 सेक्शन टायर मिलेंगे विथ 19 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील, चारों टायर में डिस्क आते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल व्हीकल की ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है, और एक अंदर से भाई फील भी आता है चलाने में। फुल बॉडी क्लाइडिंग यहाँ पे आपको गाइस देखने को मिलेगा अगर आप देखते हैं तो, और इधर आपको सफारी की ब्रांडिंग मिलेगी डोर पे, फेंडर पे डार्क की ब्रांडिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, जो कि गाइस काफ़ी बड़े वेलकमिंग फीचर्स साथ आती हैं। टर्न सिग्नल LED, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा का पार्ट है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। गाइस लुक चेकआउट करिए, ऊपर से मौसम बढ़िया लग रही है, यहाँ पे बॉडी कलर, डोर हैंडल्स, बेडिंग आपको ब्लैक में मिलेगी, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सब आपको पियानो ब्लैक मिलता है, यहाँ पे क्वार्टर विंडो प्लेस में मिल जाता है, जिससे कि थर्ड रो में जो लोग बैठे प्रॉपर उनको बाहर की विजिबिलिटी मिलती रहे, कोई दिक्कत ना होना चाहे भाई। बाकी रियर में डिस्क ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, ब्रेकिंग वगैरह सही है, अलॉय व्हील कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऊपर अपने को रूफ रेल मिल जाते हैं, अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल के चक्कर। ये भाई इसकी ओवरऑल रियर प्रोफाइल बढ़िया लग रही है एकदम, जहाँ पे ऊपर अपने को बॉडी ग्लास, साफ एंटीना, स्पॉइलर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर आ जा रही है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो अपने को मिल जा रहा है टाटा की ब्रांडिंग, कैमरा की प्लेसमेंट, एंड ये भाई अगर आप देखें पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प, मस्त लगती है गाइस एकदम रात में अगर आप देखेंगे तो। यहीं पे आपको टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, पूरी LED आपको मिलती है इसकी टेल लैम्प, नीचे अगर आप देख रहे हैं तो आपको ब्रेक लाइट वगैरह मिल जाती है जो कि हैलोजन है, एंड इधर आपको सफारी की ब्रांडिंग, नीचे आप देख रहे हैं तो अपने को भाई 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं, एंड ये गाइस आपको काफ़ी बढ़िया पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिलती है, फिनिशिंग वगैरह, नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक है।
अब गाइज इसके हम लोग ओपन कर लेते हैं ट्रंक को। आप होल्ड करके रखेंगे इसका ट्रंक का बटन, ऑटोमेटिक इसका टेल गेट ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट के साथ आती है, यहीं से आप इसका टेल गेट भी क्लोज कर लेंगे। एंड गाइज 7 सीटर प्रोडक्ट है अपनी, तो थर्ड रो को यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है आपको बॉडी स्पेस तो अच्छा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हैंडबैग वगैरह बिल्कुल रख पाएंगे। 50-50 स्प्लिट सीट मिलती है थर्ड रो में। यहाँ पे आपको जो हेडरेस मिल रहे हैं एडजस्टेबल हैं, एसी वेंट्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। बाकी किट वगैरह मिलेगा, बूट लैंप भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ऊपर प्रॉपर कवरिंग वगैरह मिलेगी। यहाँ से अगर आप इसको सिंगल क्लिक करते हैं तो ट्रंक ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की देखो भाई ज़रूरत नहीं है, डे टू डे लाइफ में ये आपको काफ़ी ईजी बना देगी यूज़ करने में। अब थोड़ा सा आते हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। ये भाई प्रोडक्ट की अपनी राइट साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है, एकदम ब्लैक कलर में, एकदम घड़ियाल जैसी। सेम लेफ्ट साइड मैंने जो दिखाया था वही चीज़ राइट साइड मिलेगा। ड्राइवर को ड्राइवर साइड इक्वल सेंसर आ जाते हैं, चारों टायर में डिस्क आ रहे हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स। हाँ, लेफ्ट साइड रियर फेंडर पर फ्यूल लोब आपको मिल जाता है, जो कि आती है भाई 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ, इनफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, दिक्कत वगैरह नहीं होगी आपको। एंड ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड, बाहर क्या क्या चीज़ें मिली थी। अडास लेवल 2 आ रहा है, फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर, रियर में 2 पार्किंग सेंसर, काफ़ी बढ़िया। आपको 90 इंच का अलॉय भी मिल जाए, ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ, जो कि अभी बिल्कुल अंदर चलेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशन मिल रही है एंड क्या सेफ्टी फीचर्स मिल जा रही है। 4668 mm की लेंथ आती है, 1922 mm की विड्थ, 1795 mm की हाइट, 2741 mm की व्हील बेस, 205 mm की काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जा रही है एंड 1900 kg तक की यहाँ पे आपको कर्व वेट मिल रही है अपने सफारी में। सेफ्टी फीचर्स भाई कोई बात ही नहीं है, टाटा की प्रोडक्ट है, सेफ्टी में कहाँ पीछे हटने वाली है। बात कर ही लेते हैं तो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग, ABS, ABD, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर जंप वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, इंजन इम्यूलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, 360 डिग्री व्यू कैमरा, अडास लेवल 2 जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर होते हैं भाई सफारी में। सो गाइस ये थे इसकी ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं। की को एक बार हम लोग पॉकेट से निकाल लेते हैं, वैसे की का कोई काम है नहीं क्योंकि पूरी क्लियर क्लैरिटी के साथ आती है, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ठीक है। पहले आप डोर पैनल को देखिए भाई, कुछ ऐसा पूरा डोर पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ट्रायो की काफ़ी सही ब्रांडिंग मिलती है, फील बढ़िया दे देती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल भाई अपना चारों ऑटो के साथ आता है। यहाँ पे आपको डार्क रूम में मिल जाती हैं अपनी डोर लीवर्स वगैरह, पियानो ब्लैक इंसर्ट, डोर हैंडल काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहीं से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखना तो भाई अपने को मिल जा रहा है स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर्स, बढ़िया बात, स्पेस की तो दिक्कत नहीं है। एंड कुछ ऐसा ओवरऑल इंटीरियर मिल जाता है, डार्क एडिशन है तो जिसको ब्लैक पसंद वही लेगा ये, और पूरी ब्लैक आउट में इंटीरियर प्रीमियम लगती है गाड़ी एकदम। इधर अपने को डिफॉगर, एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फील काफ़ी सही है एंड टचेस वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं। यहाँ पे पियानो ब्लैक, एम्बियम लाइटिंग प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर अभी मैं आपको ऑन करके बिल्कुल दिखा दूंगा भाई, इधर आपको स्टिचिंग ब्लू कलर से मिल जाती है, नीचे आपको पैडल्स मिलेंगे 2 क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, डेड पैडल आ जा रहे हैं। यहाँ पे आप आगे से इंजन भी ओपन कर लेंगे। एंड गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल यहाँ पे आपको सीट्स मिल जा रही हैं, जो कि गाइस काफ़ी बढ़िया लेदरॉइड सीट है, पोस्चर वगैरह सही है एंड वेंटिलेटेड के साथ आती है। यहाँ पे आपको उसी के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड मेमोरी फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आती है। हेडरेस्ट 2 है, दोनों एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट मिल जाता है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। की को भाई थोड़ा रख लेते हैं एंड यहाँ से इसको ऑन करते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको मिल जाता है एनिमेशन, जैसे ही अपनी प्रोडक्ट ऑन होती है। तो सबसे पहले गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ही बात कर लेते हैं, एक बार व्हीकल को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं भाई। तो गाइस जैसे ही आप अपने व्हीकल को ऑन करते हैं कुछ ऐसा ओवरऑल एनिमेशन मिल जाता है अपने MID में, जो कि 10 इंच के साथ आता है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल आ जाता है। एंड ये भाई स्टीयरिंग सीधा करने को बोल रहा है, अब सही हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई एक डिस्प्ले आता है जहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, नेविगेशन वगैरह एंड हर एक चीज़ आप व्हीकल के रिगार्डिंग देख पाएंगे। अगर मैं दिखा देता हूँ आपको ट्रिप ए, डिस्टेंस टू MPT, ड्राइव असिस्ट, अडास की भी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, नेविगेशन, मीडिया वगैरह, बढ़िया बात। उसी के बाद गाइस स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो तो काफ़ी लाइट यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है अपने सफारी में। एंड जो कि गाइस आ रहा है आपको लेदरॉइड फिनिशिंग एंड 2-spoke फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, इल्यूमिनेटेड के साथ आता है या फिर आप बोल लीजिए ग्लोइंग के साथ आता है, और ये प्रीमियम लगता है भाई। यहाँ पे आपको राइट साइड में कंट्रोल्स को देखेंगे, क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल, लेफ्ट साइड में ऑडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स आ जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, टॉगल्स को देखेंगे राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल आ जा रहे हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पर बटन मिल ही रहा था आपको। एंड उसी के बाद गाइस ये प्रीमियम की बात यहाँ पे आती है, 12.29 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स वगैरह इसका देखने को मिल जाता है, लैग वगैरह की तो भाई कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल 5 स्पीकर,
4 ट्यूटर्स एंड 1 सबवूफर का पूरा प्लेसमेंट मिलता है, तो मीडिया की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइस कुछ ऐसा आपको काफी बढ़िया से यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें तो अपने को एसी वेंट्स देखने को मिल जा रहे हैं, एंड इधर एक बार इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, काफी सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एंड सब इल्यूमिनेटेड है और काफी बढ़िया ग्लोइंग वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एम्बियम लाइटिंग जो कि केबिन को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है भाई, इधर आपको पूरा ऑटो एसी देखने को मिल जाता है, इधर आपको टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो भाई अपने को मोड्स मिल जाते हैं, राइडिंग मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे आप देख रहे हैं इको मोड वगैरह मिल जाते हैं, टॉगल मिल जाता है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पार्किंग वगैरह आप यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो न्यूट्रल कर सकते हैं व्हीकल को, एंड यहाँ से डायरेक्ट पार्क का एक बटन मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइस आपको ऑटो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स, काफ़ी बढ़िया आर्मरेस्ट मिल जाता है, कुछ स्पेस स्पेस में भी आप 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट वगैरह मिल जा रहे हैं। एंड इधर गाइस आपको काफ़ी बढ़िया ग्लव बॉक्स में स्पेस मिलता है जो कि कूलिंग एंड लाइट वगैरह दोनों के साथ आता है। JBL की स्पीकर सेटअप मिलते हैं, इंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, ऑटो IRVM मिल जा रहे हैं। ऊपर गाइस अगर आप देख रहे हैं तो अपने को पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, लाइट्स वगैरह आपको LED मिलेंगी, सनवाइजर आपको भाई मिल जाता है लाइट प्लस वैनिटी मिरर के साथ, एंड को ड्राइवर साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा मिलता है सनवाइजर, हैंडल ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस फील एकदम आपको प्रीमियम वाला आने वाला है, एंड एक बार पूरे चेकआउट करिए इसका ऊपर का व्यू, रूफ एकदम मतलब मजा आ जाने वाला है, पूरा पैनारोमिक सनरूफ अच्छे साइज का मिलता है। ये भाई अपना बंद हो जाएगा, यहीं से आप इसको पूरा कंट्रोल करना है सेट, एंड ऊपर का जो अपना मिरर है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा भाई एक सिंगल प्रेस पे। एंड ये था भाई इसका ओवरऑल फ्रंट केबिन, अब चलते हैं इसके सेकंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ अपने को मिल जाता है। JBL का यहाँ पे आपको स्पीकर सेटअप मिल रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड की को ले लेते हैं भाई, सेकंड रूम में चलने तो यहाँ पे गाइस आपको पूरा बॉडी कलर मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स वगैरह, एंड ये भाई इसका ओवरऑल पूरा डोर जहाँ पे आपको सनवाइजर भी मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया बात है, धूप वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। इधर आपको सॉफ्ट टच मिल जा रहे हैं, डार्क क्रोम इंसर्ट्स में आपको मिल रहा है, लीवर वगैरह, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे ट्विटर स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, एंड गाइस काफ़ी इनफ यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है इसके सेकंड रूम में, जहाँ पे 64 स्पीड सीट्स हैं, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट के साथ अपने को मिल जा रहे हैं, हेडरेस्ट, आइसोफिक्स साइड सीट माउंट, यहाँ पे लैड्रॉइड सीट्स हैं, बीच में आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं, विटू कप होल्डर्स, थर्ड रो तक पूरी एसी वेंट्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको हम्प मिल रहा है बीच में थोड़ा सा, यहाँ पे टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट कुछ स्पेस, पियानो ब्लैक वगैरह का इंसर्ट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे एसी वेंट्स मिल रहे हैं पोस्ट पे, एंड सेकंड रो मैंने दिखा दिया, थर्ड रो की बात करेंगे, यहाँ पे आपको लाइट्स LED मिल रही हैं, ऊपर रूफ में रीडिंग लैंप, हैंडल प्लस हैंगर मिल जा रहे हैं, स्पेस को देख रहे थे गाइस कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया, नी रूम मिल रहा है, लेग रूम फुट रूम भी सही है, अंदर थाई सपोर्ट इज गुड, एंड अगर हेडरूम की बात कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट का हेडरूम मिलता है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है, अगर लॉन्ग हाइट के लोग होंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसका पूरा भाई चेक करिए, डैशबोर्ड गाड़ी एकदम काफ़ी बढ़िया डार्क एडिशन लगती है भाई, एंड फील भी आपको आने वाला है, स्पेस वगैरह की बिल्कुल कमी नहीं होगी, आराम से एकदम फैल के अपना आपको सफ़र करना है, 7 ईयर बैग टोटल आते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या अपने को मिलती है थर्ड रो में चीज़ें, एंड थोड़ा सा भाई कैमरा वगैरह को करते हैं उधर, एंड ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है लीवर और पीछे जाने के लिए, एंड ये सीट भाई जो है ना पूरा ऐसे टंबल हो जाता है, लेकिन अभी आगे वाला सीट पूरा पीछे, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले आप देखिए गाइस स्पेस वगैरह ठीक आते हैं, 50-50 स्प्लिट सीट हैं, हेडरेस्ट दो हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाती है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इधर आपको एसी वेंट्स मिल जाती है पोस्ट पे, क्वार्टर विंडो प्लेसमेंट मिल जा रही है, यहाँ पे भी टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे कप होल्डर मिलेगा, ठीक सा ओवरऑल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सेम थिंग गाइस आपको उधर मिलेगी, बाकी इंटीरियर स्पेस वगैरह बढ़िया है, ऊपर आपको लैंप भी मिल जाता है, और सीट को करते हैं भाई पीछे। ये था इसका ओवरऑल फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, क्वार्टर विंडो आ ही रहा था, अब चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या इसके इंजन में पावर एंड टॉप मिलता है, फटाफट से इसका इंजन भी ओपन कर लेते हैं गाइस, ड्राइवर साइड से इसका भी इंजन भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको गाइस मिल जाता है लीवर, इंजन में ओपन करने के बाद कुछ ऐसा सीन मिलेगा प्रॉपर, यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैड मिल जाता है, इधर आपको मिल जाता है बैटरी प्लेसमेंट फ्यूबर प्लेसमेंट, ये भाई अपना 2 लीटर डीजल इंजन, यहाँ पे आपको भाई कूलर का सेटअप मिलेगा, वाइपर के लिए वॉशअप फ्लूइड मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 1956 सीसी 4 सिलेंडर BSX फेज 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर 167.6 BHP मिल रही है 3750 RPM पे, एंड टॉर्क की बात करेंगे तो 350 Nm की टॉर्क मिल जा रही है 2500 RPM पे, माइलेज की बात करेंगे तो 14-15 किलोमीटर पर लीटर तक की भाई ये प्रोडक्ट माइलेज दे देती है। सो गाइस ये थी भाई अपनी टाटा सफारी अकॉम्प्लिस प्लस डार्क एडिशन ऑटोमेटिक की फुल डिटेल रिव्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स और भी जो चीज़ें भाई इस गाड़ी में है सब चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा अच्छा लगा है तो उसको एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अभी तक है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में। मिलता हूँ गाइस जैसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।